बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म दृश्यम 2 को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। फ्राइडे को तब्बू अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म को प्रमोट करने के दौरान अजय देवगन कई सारी बातें खुलकर करते नजर आए हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि काजोल की बेटी निशा देवगन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। काजोल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बेटी निशा को लेकर काफी सारी बातें की। इसके साथ ये भी बताया कि किस तरीके से निशा अपना ध्यान रखती है। काजोल ने अपने इंटरव्यू में निशा देवगन के हेल्थ और ब्यूटी सीक्रेट्स को फैंस के साथ शेयर किया। लेकिन अब बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने अपनी बेटी के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बड़ी बात की है। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्म बीट। अजय देवगन अपनी फिल्म दृश्यम 2 को लेकर काफी टाइम से चर्चा में बने हुए थे। हालांकि फिल्म रिलीज हो चुकी है और अजय देवगन की ये फिल्म 18 नवंबर को बड़े पर्दे पर आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट खत्म हो गया है। अजय देवगन के फैंस इस फिल्म का लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के मेकर से बॉलीवुड तक को काफी उम्मीदें हैं इस फिल्म से। लेकिन अजय अपनी फिल्म के साथ बेटी निशा देवगन को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। अजय देवगन की बेटी निशा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी टाइम से सवाल जा रहे थे, जिस पर अजय देवगन ने खुलकर बात की है। अजय देवगन उन स्टार्स में से एक हैं जो अपनी फिल्मों के साथ साथ परिवार को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। अजय देवगन की बेटी इन दिनों काफी चर्चा में है। कभी निशा को उनके लुक को लेकर ट्रोल किया जाता है तो कभी किसी और चीज को लेकर। इसके साथ ही निशा के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर इतने दिनों में निशा देवगन इतना ज्यादा कैसे बदल गई, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आखिर उनके अंदर कैसे आया। काजोल ने निशा को लेकर काफी सारे सवालों के जवाब दिए हैं कि निशा किस तरीके से अपना ख्याल रखती हैं। लेकिन उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस के बीच काफी टाइम से सवाल बने हुए थे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फैंस के ये सवाल थे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काजोल की बेटी निशा देवगन बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अजय देवगन ने निशा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी कुछ बोला है। अजय देवगन से सवाल किया गया कि आप निशा देवगन के लिए कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। इसको लेकर अजय देवगन ने कहा कि अभी तक मेरी बेटी ने मुझे ये नहीं बताया कि वो बॉलीवुड में शामिल होना चाहती भी है या फिर नहीं। अभी तक के लिए सभी बातें काल्पनिक है। मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता। मैंने इतनी आजादी उन्हें दी हुई है कि वो जो करना चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बात करें निशा के बॉलीवुड डेब्यू की तो ये उसका फैसला होगा। अगर उसका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, अगर वो फिल्मों में आना चाहती है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। अजय देवगन ने निशा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी सारी बातें की है क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी टाइम से लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि जिस तरीके से बाकी स्टार किड्स एक एक कर बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं, क्या निशा देवगन भी इस लिस्ट में शामिल है। फिलहाल तो अजय देवगन ने पूरे मामले को खुद निशा देवगन पर छोड़ दिया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड में डेब्यू करना है या फिर नहीं, ये खुद निशा का फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से काजोल बातों बातों में कई दफा निशा को लेकर बातें करती नजर आई हैं, ये पक्का है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद निशा की भी बॉलीवुड में एंट्री हो सकती है। निशा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू पर क्या कहना चाहते हैं आप, जल्दी से अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।